नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि माधुरी प्रथमे हेडलाइंस। कोरोना टीका पाई प्रस्तुति राज्य मुख्य शासन सचिव को केंद्र स्वास्थ्य सचिव चिट्ठी गोटे स्टीयरिंग कमिटी सह दुईटी टास्क फोर्स गठन पाई प्रस्ताव प्रति सप्ताह हेबो बैठक स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी को प्रथम टीका राज्य 1709 नुआ पॉजिटिव चिन्हट क्वारंटाइन 985 और स्थानीय संक्रमण 724 24 घंटे पुणि 11 मुंड नहीं महामारी। मयूरभंज बैदपुर गांव में अभावन्य घटना निहारे पोड़ हो गोटे पर तीन जन गुरुतर घर कलीरु देहरे निया लगे आत्महत्या करने को बहुर उद्यम बचाईवा जाए शाशु और स्वामी गुरुतर। भद्रक माधवपुर कंटिया साहि में बोमामाड़ पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर दुई गोष्ठी मध्य संघर्ष टेक्का पथरमाड़ जड़े आहत चांदपल्ली मेडिकल भर्ती। बिहार द्वितीय पर्याय वोट पाई जोरदार प्रचार एनडीए पाई प्रचार मैदान में प्रधानमंत्री अभिभाषण में विरोधी को कड़ा समालोचना कले मोदी। आज उपनिर्वाचन पर प्रचार शेष दिन मैदान में सब् दल प्राणमूर्छा उद्यम बालेश्वर और तीर्तोल प्रचार में हेवीवेट नेता विभिन्न स्थान में तीन दल रोड शो। राज्यवासी को सुशासन जगै देवे राज्य सरकार विफल पीएससी तालिकार आसला सांघातिक तथ्य देशर सुशासित एवं खराब शासित राज्य भितर तलाआड़ तीन नंबर ओडिशा। एवं श्रीक्षेत्र में आज कार्तिक व्रत राधा दामोदर बेश दर्शन देवे महाप्रभु हेले कोरोना कटकणा हविष्याणी को पूरी आसवा मना महाप्रसाद उत्तर दक्षिण द्वार ठारे व्यवस्था। आज संपूर्ण खबर को कोरोना टीका पाई प्रस्तुति राज्य मुख्य शासन सचिव को केंद्र स्वास्थ्य सचिव चिट्ठी गोटे स्टीयरिंग कमिटी एवं दुईट टास्क फोर्स गठन पाई प्रस्ताव राज्य स्टीयरिंग कमिटी अध्यक्ष रहिबे मुख्य शासन सचिव स्टेट टास्क फोर्स रे मुख्य रहिबे स्वास्थ्य सचिव जिला टास्क फोर्स रे मुख्य रहिबे जिलापाल। जिला टास्क फोर्स बैठक प्रति सप्ताह हेबो 15 दिन रे हेबो राज्य टास्क फोर्स बैठक गोटे मास रे हेबो स्टेट स्टीयरिंग कमिटी बैठक स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी को प्रथम टीका आग धाड़ी कोरोना योद्धा को मिली टीका गोटे आमर जो देखियो जदि आमर टाइम्स नेटवर्क जो सर्वे करथिले तांकर जो इंडिया आउटब्रेक रिपोर्ट जो देथिले सेतरे सन लिखते नवंबर 17 गोटे ओडिसा पेन डेट देथिले जहाँ पर कि आमर सिग्निफिकेंटली केसेस गोटे कमी जाइथिबो आमर गोटे रिलीफ टाइप गोटे नवंबर 17 से गोटे डेट देथिले मुझे जानने गवर्नमेंट सेटा को नजर रखी करछि कि नवंबर 15 पर गोटे रहिबो कि आमर ओडिसा रे एटलीस्ट एक्सपेक्टेड कि नंबर ऑफ केसेस सिग्निफिकेंटली कमी जाइथिबो आमे जोटा भाबिया कि आमे गोटे रोगटा कंट्रोल हो गेलानि सेटा गोटे भावितुए किंतु मो मतरे एबे भी सेगुडा आम टाइम हैनी ताकु आम खोलिया पर्टिकुलरली स्विमिंग पूल धरतु से क्लोज कंटाक्ट लोक रे सीटा गोटे आम अवॉइड करवा एवं आउ गोटे जोटा इम्पोर्टेंट सेटा होची आमर एटा जोटा आपण कहले मूवी हॉल गुडा आज्ञा क्लोज कंटाक्ट को रहिबे गोटे डिसेंट रूम रे जदि आप रहिबे एक घंटा ताले तो निश्चय से गोटे जदि सुपर स्प्रेडर थिबो ताले बहुत लोकन को हेजिबो कारण से वायरस ते भीतर बोली रहले से एयर ते भीतर सर्कुलेट हला तेणु सेगुडा गोटे आपणकर गोटे रहिबा गोटे बदर रेस्ट्रिक्शन सेटा को रखिया कथा मूवी हॉल गुडा पई हमर टाइम हैनी हमर पूरा सिग्निफिकेंटली केस नंबर नकला पंत मूवी हॉल गुडा खुलिया कथा नुए आ गोटे होची सोशल गैदरिंग गुडा पई से कोन गवर्नमेंट कहिछि 200 पीपल को अलाउ करिया पई मो मते सेटा भी हमर टाइम हैनी कोनसी सोशल रिलीजियस किमा पॉलिटिकल गैदरिंग पई हमर टाइम हैनी सेटा को हम अपेक्षा करे पड़े एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर जाय हमको डिसेंबर पर्यंत तो पूरा सेटा को रेस्ट्रिक्शन रे रखिया पड़िवो सो दैट हमर जो कंट्रोलटा आसी ना देखते कमी बिकले कि यूरोपियन कंट्रीज तक फेर लॉकडाउन को चली गलाने ब्रिटेन वर्चुअल लॉकडाउन को चली गला आज गोटे मसपाई तेणु सेगुड़ा से फेर आमको आउ थे शेष कराया पड़े जो सेकेंड वेव जब बड़ धरणर है जोटा कि आम रिस्क आमर अच्छी जेहतु अगर कंट्री रोचे वेस्टर्न कंट्री रोचे तेना आमर भी हबार संभावना अच्छी केवल आम रोक पार जदि आमर मानने जो क्लोज स्पेस गुड़े लोक गैदरिंग सेटा को जब आम प्रिभेन्ट कर आउ जो जहाँ आमर जो छः मास धरी जो कष्ट भोगुचे सेटा को जदि आम टिके पालन करिबा से नियम गुडा जदि पालन कर चलिबा सेतले कि आमे पालन करचे बोले आज ए स्टेज रे अछे कि नंबर ऑफ केसेस कमिलानी एवं सेटा को जेमते आगु को आमे पालन करिबा एटलीस्ट वर्तन कमिंग फ्यू मंथ्स पई गोटे गवर्नमेंट रे से जो कमिटी हेतला सेमाने कहिचेंदि फेब्रुवारी मास ओळुको आमर एटा कमी जाइथिबो कि ए रोगरु आमे मुक्ति पाइथिबा तण एटलीस्ट हमको 3-4 मास पंत तक रेस्ट्रिक्शन रहिया पडिबो।
राज्य में 24 घंटा रे 1709 नुवा कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछते समनक मध्यरो संघरोध केन्द्रर 950 ओ स्थानीय अंचलर 724 आक्रांत चिन्हट होइछते एबे सुधा मोट आक्रांतक संख्या 291225 रे पहुचिछे। राज्य रे रविवार कोरोना रे आउ 11 जणकर मृत्यु होइछे। एहस राज्य रे मोट मृत्यु संख्या 1331 को वृद्धि पाइछे। बलांगीर मुदल सरग्राम सुकतेल नदी उपरे नवनिर्मित ब्रिज भुसुडीबा घटना रे हेबो विजिलेंस तदंत। लोकायुक्तक निर्देश परे एहार तदंत आरंभ होईछि। गत एप्रिल मास 29 तारीख रे एही नवनिर्मित ब्रिज भुसुडी पडिथला। एहा तळे चापी होई दुई जणक मृत्यु होईथला। तबे उक्त घटना को दीर्घ 6 मास बीती जायथिबा बळे एबे एहार विजिलेंस तदंत हेबो। बलांगीर ग्रामीय उन्नयन संस्था पक्षरु 7 कोटी टंका व्यय रे एही ब्रिज रो निर्माण गत 2015 रे आरंभ होईथला एवं बलांगीर रामकुमार अग्रवाल ठिका कंपनी एहार काम करथिले। मात्र 4 वर्ष मध्ये एही ब्रिज निर्माण शेष होइतबा बळे संपृक्त कंपनी 53 लाख टका पुरस्कार मध्ये पाइथिले। मात्र किछि दिन परे ब्रिज रे फाटो हेबा सह भूसुडी पडिथला। मयूरभंज जिलार बैसिंगा थाना अंतर्गत बैदपुर गांव अघटन निआरे पड़ हो गोटे पर तीन जन गुरुतर होते शाशु रईमणी सिंह और बो सरस्वती सिंह मध्य घर कड़ी एभली परिस्थिति उपजीता जमापड़े। झगड़ा लगे बो सरस्वती सिंह निज देहरे किरोसीन ढाई निआ लगे बचाईवा जा शाशु रईमणी और पति गौर सिंह गुरुतर भाव पोड़ हो जाते समस्त गुरुतर को प्रथम बेतनटी डाक्तखाना और पर कटक स्थानांतरित कर। सळाकु ससुर घरे छाड़ी आसुवा बेले आक्रमण कले दुर्वृत्त मरणांतक आक्रमण करिबा सह छड़ाई देले बाइक। आनंदपुर उपखंड रामचंद्रपुर थाना पहाड़पुर निकट में युवक मरणांतक आक्रमण होछाटिया रास्तार 4-5 जन दुर्वृत्त युवक आक्रमण करने बाइक लुटि नहीं अभियोग। गुरुतर आहत युवक है भगनई गाँव रवींद्र देहुरी। अभियोग पर घटनास्थल में पुलिस पहुंची घटनार तदंत आरंभ कर। खोर्धा जंकिया थाना ओलसिंग गांव सुशांत बेहरा नामक जड़े युवक 5 दिन है निखोज या बेले एने जंकिया थाना अभियोग। सुशांत 28 तारीख रू घर बाहर बेले आ फेरी नथिले। एने सुशांत पिता अभियोग करने जड़े युवती प्रेम संपर्क यापर पुलिस घटना को गुरुतर सह नहीं खोलताड़ आरंभ कर। जंकिया पुलिस घटना को गुरुतर सह नहीं तनाघना आरंभ कर सारी बेले घटना पुलिस युवती भाई और अन्य जनक अटक रखी। खोर्धा जिला टांगी थाना अंतर्गत विभिन्न गांव जुआड़ी गिरफ। विभिन्न जुआ अड्डा उपरे पुलिस चढ़ाव कर 7 बाइक सह जड़े जुआड़ी को मध्य गिरफ कर। पुलिस से 5000 टंका जबत कर। टांगी थाना अधिकारी सूचना देते रायगढ़ गुणपुर विभिन्न मंडप चली माँ गजलक्ष्मी पूजार्चना। तेज चलित बर्ष कोविड कटकणा जो खाँ खाँ रही पूजा मंडप केवल पूजक और कर्ता को नहीं चली पूजार्चना। कोरोना बंद रही सांस्कृतिक कार्यक्रम कोविड नियम अनुसार चली समस्त कार्यक्रम नियम जारी कले 7 जन अधिक यज्ञ मंडप रही से प्रकार हिसाब से केवल पुरोहित कर्ता सहित 4 जन एवं ग्रामवासी तरफ 2-3 जन आमको साहय समुदाय 7 जन कार्यनिर्वाह चलती आ रही माँ जो पूजा नीति कांति सब जाक ये ठीक भाव परिचालन हो तृतीय वर्ष पाइक साहब गजलक्ष्मी पूजा कर सरकार कोविड नियम मानिकी समस्त एनओसी आणिकी सबको अनुमति नहीं पूजा करूँ पालन कालन समस्त सोशल डिस्टेंस मेंटेन करम साई रेखा होने समस्त मास्क पिंधि आसर पूजा अर्चना कर। श्रीमंदिर गतकाल कुमार पूर्णिमा और द्वैत क्रीड़ा उत्सव पालित हो जाए। श्रीक्षेत्र और श्रीमंदिर परंपर एही दिन श्रीमंदिर मध्यान धूप शेष होगा पर श्रीदेवी और भूदेवी को खट सेज करे विजे करे आज्ञा माल पाई भितरे चंदन लागे एवं बड़सिंहार वेश पर स्वर्ण अलंकार लागे होता है। बड़सिंहार भोग बढ़ी पानी पड़े थाए ए सब सरले सिंहासन तले सकटा पसा और कौड़ी खेल होता है। सिंहासन तले सरवा सिंहासन उपरे खेल मान
अनुष्ठित होता है। श्रीमंदिर परंपर यह सकटा उत्सव नाम अभिहित यह द्वैत क्रीड़े लक्ष्मी महाप्रभु हारी जाइवर रत्न सिंहासन स्थित माधव सात दिन पर्यंत लक्ष्मी मंदिर बंधा रहती तेणु माधव हस्त विजे हो सात दिन जाए लक्ष्मी मंदिर रहापर अष्टमी दिन अवकाश पूजा समय को सिंहासन विजे करते ये आम सेता गोटे ये सेतारे लक्ष्मी माधव खेलती माधव हारि जाती लक्ष्मी जीती जाती माधव बंधा होती ये गोटे जुआ खेल आम तो बाहर जुआ खेल पुरी धरती से भगवान खेल आम भगवान को लेकिन आम चलु भगवान खेल आम कहीं जुआ न खेलु यही हूँ गोटे धारणा भद्रक जिला चंदबली ब्लॉक कंडिया साही गाँव में बोमा माड़ पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर दुई पक्ष मध्य आरंभ हो गोष्ठी संघर्ष एक नयनजोर निलाम को केन्द्र कर दुई पक्षों मध्य विवाद उपजा पर उभय पक्षर प्रथम प्रतिपक्ष टेक्का पथर माड़ पर आज बोमा माड़ कर बोमा माड़ जड़े व्यक्ति गुरुतर अवस्था चंदबली मेडिकल भर्ती होती खबर पाई मत पुलिस गाँव में पहुंचा पर स्थित अनुधान कर बोमा माड़ पर ग्राम से भयर वातावरण देखाई बिहार द्वितीय पर्याय निर्वाचन आज बिहार में प्रचार मैदान को ओह्लाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरजेडी मुख्य तेजस्वी यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नाम नहीं कड़ा समालोचना कर उत्तर प्रदेश उदाहरण नहीं प्रधानमंत्री उभय राजकुमार को समालोचना करते दुई राजकुमार और विशेषकर जंगल राज गुरुत्व दे बिहार जंगल राज को तेजस्वी प्रश्रय दे अभोग प्रधानमंत्री बिहार लोकप्रिय छठ पूजा को नहीं माँ मान संबोधित कर छठ पूजा करने को प्रस्तुत हूँ कारण आपण पुओ दिल्ली में बसी राज्य को डबल इंजन सरकार आवश्यकता रही से कहते आज प्रधानमंत्री बिहार चारोटी स्थान में प्रचार करेंगे छापरा सामंतीपुर मोतिहारी बागारे निर्वाचन प्रचार करेंगे। चुनाव सभाएं हमने पहले भी देखी है और चुनाव में कितनी ही गर्मी क्यों ना आई हो चुनाव कितना ही नजदीक क्यों ना आ गया हो मतदान के बीच में कोई ज्यादा समय बचा भी ना हो तो भी सुबह 10 बजे से पहले इतनी बड़ी विशाल रैली कभी संभव नहीं होती है। मैं देख रहा हूं ये पंडाल के उस पार पैंडल से भी शायद 2-4 गुना ज्यादा लोग बाहर खड़े हैं। ये अद्भुत नजारा है और इसका एक कारण तो मुझे लगता है कि जो पहले चरण का मतदान हुआ और लोगों का आशंकाएं थी कि कोरोना के कारण डिंकने कारण फलाने कारण मतदान नहीं होगा ये सारे पंडितों की धारणाओं को पहले चरण में बिहारी के लोगों ने गलत सिद्ध कर दिया भारी मतदान किया। आज सर्व बालेश्वर तिर्तोल उपनिर्वाचन प्रचार से शेष मुहूर्त में वोटर को आकर्षित करने तीन प्रमुख दलर उद्यम जारी रखिंट निज निज प्रार्थी समर्थन में भोट मगुच्च प्रार्थी और दलियों नेता बालेश्वर प्रचार मैदान में बीजेपी हेवीवेट नेता सहर विभिन्न वार्ड में रोड शो करते बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पंडा प्रचार में सामिल थे केन्द्रमंत्री प्रताप षडंगी दुई हेवीवेट प्रचार करने मानस दत्तों पर भोट भिक्षा सेपर बालेश्वर बीजेडी पक्ष दलय प्रार्थी प्रचार करुछंते नेता व अभिनेता सह सह बीजेडी कर्मी राली करिछंते बीजेडी तुंग नेता सेपरी कांग्रेस प्रार्थी मध्य प्रचार अभियान को जोरदार करिछंते अन्यपटे तिर्तोल रे बीजेपी बीजेडी व कांग्रेस पक्षरु जोरदार प्रचार होइछि। सरगरम होउछि तिर्तोल उपनिर्वाचन आज कांग्रेस प्रचार शेष दिन में प्रचार ओल्लै वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश राउतराय आम सह सीधा सख आलोचना करवा कौन कहे सुर भाई आपड़ एत दिन धरी प्रचार करते आज प्रचार शेष दिन कौन देखुन वातावरण कांग्रेस पावर रे कारण आम कैंडिडेट जुएल जन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जड़े भद्रलोक गोटे एनजीओ कर रिलीफ बांटा गुरोगी की साज्य करवा गरीब पिला पढ़ेवा सबू कर घर टा तीर्तन निर्वाचन मंडली
ବିଜେଡ଼ିର ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହଁ କି ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହଁ, ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା, ହରିଜନ, ମୁସଲମାନ। ଆମେ ହିମାଂଶୁକୁ ବିଧାନସଭାକୁ ପଠାଇବୁ। କେଉଁ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ବିଶେଷ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟିକେ ଗାଣ୍ଡୁଏ ମାଟି ପଡ଼ିନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ଯାହା କରିଥିଲା ବସନ୍ତ ରିଜୁଆଲ, ତେଣୁ ଏହି ରାସ୍ତାଘାଟ, ପିଇବା ପାଣି, ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରୁନି, ଏହିସବୁ କାମ ବୃଦ୍ଧା ଆଉ କ'ଣ। ଇଲେକ୍ସନରେ ଏଠୁ ତ ବିଜେଡ଼ି ବିଜୟ ହେଇଥିଲା, ଏଥର କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟବଧାନ ବଢ଼ିଆ, କଂଗ୍ରେସ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ଭୋଟରେ, ଚମତ୍କାର ଭୋଟ କଂଗ୍ରେସ ପାଇବ, ହିମାଂଶୁ ପାଇବ। ଚାଲ ଭାବେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ସିଏ ଯାହା କହିବା କଥା ଯେ ପୂର୍ବ ସିନା ଏଠାରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟ ହେବ ଏବଂ ହିମାଂଶୁ ଏଠି ବିଜୟ ହେବେ। ତା ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲେ ଏଠିକାର ବହୁ ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ବାଟପଣା ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପବ୍ଲିକ ଆଫେୟାର୍ସ କମିଟି ବା ପିଏସ୍ସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ସୁଶାସିତ ଏବଂ ଖରାପ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ତାଲିକାରୁ ଏପରି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସମତା, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିପୋଷଣୀୟତାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଏହି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ କେରଳ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ପିଏସ୍ସି ଜାରି କରିଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ତଳଆଡ଼ୁ 3 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି। ପିଏସ୍ସି ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ କେରଳ 1.388, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାମିଲନାଡୁ 0.912, ତୃତୀୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ 0.531 ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ 0.468 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ପିଏସ୍ସି ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ସୂଚକଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାର କରି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶାସନ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରୋର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେ କସ୍ତୁରୀ ରଙ୍ଗନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବୋଲ ମାନୁନି ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ତୁଣ୍ଟ, ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଆଉ ଜଣେ ବିଧାୟକ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ମଞ୍ଚି ବୁଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ସୁନହରଠାରେ ଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଅଗର ଭୋଟ ବଟ୍ ଗଏ ତୋ ଦୁସରା ପାର୍ଟି ଜିତ୍ ଜାଏଗା, ଭାଇଚାରା ଟୁଟ ଯାଏଗା, ଖତରେ ମେ ରହେଗା, ବିଜେଡି କୋ ଭୋଟ ନାହିଁ ତୋ ଭାଇଚାରା ନାହିଁ। ଏହିପରି ବୟାନ ଦେଇ ପୁଣି ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ। ଭୋଟ ବଟ ଗେ ତୋ ଦୁସରା ପାର୍ଟି ଜିତ ଯାଏଗା, ଭାଇଚାରା ଖତରେ ମେ ରହେଗା, ତୋ ଦୁସରା ପାର୍ଟି ଜିତ ଯାଏଗା, ଭାଇଚାରା ଖତରେ ମେ ରହେଗା। ତୋ ଆପକୋ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲେନା ହୈ କି ଭାଇଚାରା କୋ ରଖନା ହୈ କି ନହିଁ, ଅଗର ରଖନା ହୈ तो 100 से 100 वोट बीजू जनता दल को जाना चाहिए। अगर बीजू जनता दल का वोट डिवाइड हुआ तो दूसरा पार्टी जीत जाएगा मेरे भाइयों। इसको थोड़ा सोचो, देखो और अपना। मैं आपको अभी अभी मैं चादर चढ़ा के आया हूं, तो मैं उम्मीद रखू कि सारा वोट हमको मिले। पक्का है आपका वादा? तो चलो, मेरे को विश्वास हो गया है कि यहां बीजू जनता दल वोट 3 नंबर में, ये बूथ में बहुत सारे वोट आएगा। दोनों है तो दोनों में छक्का मारिए, 3-4 दोनों है तो क्या हुआ, दोनों में छक्का मारिए। तो मैं उम्मीद रखू, तो मेरे और भी एक दो मीटिंग है, मैं आप लोगों से परमिशन लेके जा रहा हूं। लेकिन मैं, मेरे विश्वास है, जब मैं चादर चढ़ा रहा था लोग बोल रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रुपया दिए हैं, है? ପୁଣି ବିବାଦରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଯାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ବାହାର କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା 14 କୁଲାଟ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ। ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ଆସିକି ହଠାତ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିବି ମୋ ଅଭିଯୋଗ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ମୋତେ ସେଠୁ ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଇକି କ'ଣ ବୁଝିବି କହି ତଣ୍ଟିଆ ମାରିକି ବାହାରେ ଆଣି ଦେଲେ, ମୋ ଛୁଆର ଓଠ ଫାଟି ଯାଇଛି। ପୁଣି ବିବାଦରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ
पुलिस नारी महिला दुर्व्यवहार अभियोग माँ और पिला दुर्व्यवहार सह धक्का मारी बाहर कर संगीन अभियोग बारंबार विवाद रे रहुतबा केंद्रापड़ा पुलिस नारी पुणी थरे आसीछि सांघातिक अभियोग एबे पुणी महिलांकु दुर्व्यवहार करथिबार कलंक मुंडाइछि केंद्रापड़ा पुलिस। केंद्रापड़ा जिला 14 कुलाट फांडी अधिकारी कोनार दुर्व्यवहार एवं धक्का दे थानारु बाहर करथिबा परी संगीन अभियोग आनिछंती जणे महिला। शुक्रवार 14 कुलाट फांडी अंतर्गत चंदनपुर पंचायत तमाल शासन ग्रामर सुनीता नाथ शर्मा निजर पारिवारिक कलह समस्या को फांडी को अभियोग करने को जाते तेबे 14 कुलाट फांडी अधिकारी विजय कुमार खटुआ और छुआ को धक्का मारी थानू बाहर करदे महिला जनक अभियोग कर एतिरे पिलार मुहरे माड़ होता महिला जनक अभियोग कर फांडी की आम घर पारिवारिक झगड़ा भलमंद लगे आसी मो देश मो जहाँ मैंने मतलब सब गाड़ाड़ी करते एफआईआर देवा आसती मत सार कहे कि पाँचटा बेलू आस तुम खबर बुझा जा पाँचटा बेलू आसिक हटात सार को जा पचार मो अभोग बुझु सार सार मत से हटात रागि जाए कि कौन बुझे कही तंटिया मारिकी बाहर आगे मो छुआर ओठ फाटे जा महिला जनक पटा मुंडाई थाना फांडी अधिकारी विरोध में एतला देखते सेपटे किंतु फांडी अधिकारी अभियोग को खंडन कर मोर प्रतिक्रिया किसी ना तो जदि से विषय कह क्या एलिगेशन कर शाशुर स्वामी ना सब एलिगेशन कर मारपीट कर सन्दा बेले आसिक पहुंचे मुझे यार सन्दा बेले तुम ए डका कल मुझे डाके दे बारंबार विवाद घेरे रही आसुची केन्द्रापड़ा पुलिस केतेबेले तदंत बाटबणा करुथिबार अभियोग केन्द्रापड़ा पुलिस नारे आसुची तो केतेबेले शासक दल चापरे लोकंक उपरे जुलम करुथिबार अभियोग आसुची तेबे ए घटनारे किए सत कौछि ता तदंत परे जणा पड़िबो। केन्द्रापड़ारु प्रभात कुमार लेग्जा को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। अच्छा एलपीजी सिलिंडर बुकिंग टू आरंभ करी रेलवे टाइम टेबल पर्यंत अनेक नियम परिवर्तन होगा जाऊँगी। जदि आप इंडियन गैस सिलिंडर व्यवहार करुँचे एणिकी बुकिंग आपंक नुआ नंबर व्यवहार करने को पड़े। इंडियन ऑयल इंडियन गैस बुकिंग नंबर में परिवर्तन कर ग्राहक मैंने एलपीजी गैस सिलिंडर बुकिंग 7 7 1 8 9 5 5 5 5 5 नंबर में फोन किंवा एसएमएस पठाई पारे। सेपटे सारा देश में भारतीय रेलवे ट्रेन रो टाइम टेबल रे परिवर्तन करबा को जाउछे। अक्टोबर एही परिवर्तन हेपार थिला हेले कोनोसी कारण वशत एहा होई परिनथिला। आजिठो एही नुवा टाइम टेबल रे परिवर्तन हेबा को जाउछे। बैंक ऑफ बरोदा आजिठो एहार ग्राहकक पई किछि परिवर्तन करबा को जाउछे। एही परिवर्तन रे बैंक रे थिबा वर्तमान अकाउंट ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्या क्रेडिट अकाउंट सर्विसिंग अकाउंट इत्यादि टंका जमा व उठाण सह जड़ित रही। श्रीक्षेत्र में आज आरंभ हो हविष्याणी कार्तिक व्रत एकादश तिथि श्रीमंदिर कार्तिक नीति आरंभ होता बेले राधा दामोदर बेश अनुषित धर्ममास कार्तिक हविष्याणी हूँ अथवा साधारण भक्तों पर महाप्रसाद जगैवाई उत्तर दक्षिण द्वार ठारे चामुंडिया काउंटर कर सुआर महासुआर निजों पक्षर करवस्था सेपटे कोरोना चलित बर्ष हविष्याणी को श्रीक्षेत्र न आसवाक प्रशासन पक्षर क गाँ को ना रास्ता माटी पच पच कादुआ रास्ता दे जास करुछंति लोके आउ कोनोसे जरूरी कालीन परिस्थिति पड़िले कथा सरला। दीर्घ दिन दाबी परे भी गाँ को रास्ता टी निर्माण होई पारुने फले ग्रामवासीक मध्यरे असंतोष देखा दैछि। रास्ता पालटिछि मरण चिंता विपद संकुल अवस्था रे कादुआ पच पच रास्ता रे यातायात करुछंति लोके सामान्य असावधानता रे होई पारे दुर्घटना। खोर्धा बाणपुर ब्लॉक अंतर्गत नीलाद्री पंचायत को जास पाई ए हेउछि एकमात्र रास्ता किंतु एही रास्तार दुर्दशा उपरे थरे नजर पकांतु आउ वर्षा दिन आसिकले एही रास्तारे जीवा आसिबा मुश्किल होई पड़े। रास्ता निर्माण पाई ग्रामवासी बारंबार दाबी करि आसुथिले पे एजे मरामति हेउनि जहाकु नै साधारण रे असंतोष देखा दैछि। खराब अछि आउ कोन किमि जा केतु को जाइतलो मेडिकल को जाइतलो
ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବ? ହଁ ଗଲୁ ସେମିତି ଆଉ, ସାଇକେଲରେ ଦେଇ ଓହ୍ଲେଇକି ଗଲୁ, ବସିଲୁ ଆଉ କ'ଣ। କେତେ କିଲୋମିଟର ଏଇଠୁ ମେଡ଼ିକାଲଟା? ଜାଣିଲୁ 3.5 କିଲୋମିଟର ହବ। ସାଢ଼େ ତିନି କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର କେମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି? ଖରାପ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ। ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ, ଏଠି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଏଠି ରୋଗବାଗ କ'ଣ ହେଲେ ଦୋଳାରେ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖ ହେଲେ ବି କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ, ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପଥର ବାହାରି ବାହାରି ରହିଛି, ତା'ପରେ କାଦୁଅ ପଙ୍କ, ସେ ଗାଡ଼ି ବି ଯାଇପାରେନି, ତା'ପରେ ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଲେ ବି 5-7 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଅଛି, ହେଲେ ବି ବହୁତ ଥର ସରପଞ୍ଚ କୁହାଗଲାଣି, ସିଏ ହଁ କରିଦେବି ଏମିତି କହି ସିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଲାଉଛି। ବିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ପାଠପଢ଼ା କଥା କ'ଣ କହିବି, ଅନ୍ଧାର ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ, ଅନ୍ଧାର ମାନେ ଆଲୁଅ ଥାଇକି ବି ଅନ୍ଧାର, ମାନେ ପାଠ ତ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଆମ ଗାଁର ଆମ ବିକାଶ କେବଳ ନାରାରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଯୋଜନା। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଭଳି ଭାବେ ଚାଲିଛି ଗାଁର ବିକାଶ। କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ କିଭଳି ଯାଆସ କରୁଥିବେ ଲୋକେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। କେଉଁଠି ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ସାଇକେଲରେ ଟେକିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସାର୍ ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହାହେଇଛି, ତାପରେ ଆମର ବିଡ଼ିଓ ବି ଆସିକି ଦେଖିଗଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ହଁ କରିବୁ କହୁନି, କିଛି କାମଟି ହେଇପାରୁନି। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଟକି ରହିଛି ଗାଁର ବିକାଶ। ତେବେ କେବେ ଗୁହାରି ଶୁଣୁଛି ପ୍ରଶାସନ, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।